नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्री राम जन्मोत्सव समिति एवं जीवन आनंद फाउंडेशन के द्वारा आगामी 14 दिसंबर से 22 दिसंबर तक श्री राम कथा का किया जाएगा आयोजन। नेहरू युवा केंद्र संगठन के 50वीं स्थापना दिवस के अवसर पर युवा मंडल व आशीर्वाद ब्लड बैंक नेहरू नगर के सहयोग से विशाल रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। दुर्ग के द्वारा प्रतिबंधित नशीली गोलियों और सिरप पर बड़ी कार्यवाही करते हुए दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। लव मैरिज से नाराज ससुर ने अपने दामाद पर चलाई गोली, फिलहाल पुलिस ने ससुर को लिया हिरासत में। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। भिलाई के कुर्सी पार स्थित श्री राम चौक ग्राउंड में श्री राम जन्मोत्सव समिति एवं जीवन आनंद फाउंडेशन के द्वारा श्री राम कथा का आयोजन आगामी 14 दिसंबर से 22 दिसंबर तक किया जाएगा। वहीं आज भूमि पूजन कर इसकी तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। भिलाई के कुर्सीपार में श्री राम कथा का आयोजन किया जाना है, उसको लेकर आज भूमि पूजन किया गया। समिति के पदाधिकारी विनोद सिंह ने बताया कि 14 दिसंबर को कलश यात्रा से यह श्री राम कथा का आयोजन होगा जो 22 दिसंबर तक चलेगा। श्री राम कथा के वक्ता महाराज श्री चिन्मयानंद स्वामी द्वारा आए हुए भक्तों को अपनी वाणी से कथा को संबोधित करेंगे। वहीं श्री राम जन्मोत्सव समिति के युवा अध्यक्ष मनीष पांडे ने बताया कि यह आयोजन जीवन आनंद फाउंडेशन के द्वारा मुख्य रूप से विनोद सिंह के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यह दूसरा ऐसा वर्ष होगा और इस आयोजन का कोरोना काल से पूर्व यह प्रथम बार भिलाई किसी ग्राउंड में भव्य रूप से आयोजित किया गया था। दो वर्षों के ब्रेक के बाद इस वर्ष भी यह आयोजन करने का सौभाग्य मिल रहा है। समिति को पूरी टीम को बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। वह भिलाई वासियों से अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा माता बहने भाई इस रामकथा में शामिल होकर स्वामी श्री चिन्मयानंद महाराज द्वारा कथा को जरूर सुने। इस भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्य रूप से मनीष पांडे, विनोद सिंह, जोगिंदर शर्मा, वीना चंद्राकर, श्याम सुंदर राव, श्याम तेज बहादुर सिंह, मोहित अग्रवाल, धर्मेंद्र प्रसाद सहित बड़ी संख्या में श्री राम जन्मोत्सव समिति के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जय श्री राम। 13 तारीख को भव्य कलश यात्रा और 14 तारीख से 22 तारीख तक राम कथा का आयोजन इस दशहरा मैदान श्री राम चौक में रखा गया है, जिसका आज भूमि पूजन भव्यता रूप से किया गया। बजरंग बली जी का ध्वज लहराता हुआ लगाया गया है और इस कथा में राष्ट्रीय संत पूजनीय श्री आदरणीय चिन्मयानंद बापू जी का आगमन हो रहा है। वो अपने मुखाग्र बिंदु से अपना रसपान करवाएंगे कथा का, और पिछले 2019 में यह कथा हुई थी और कोरोना काल के कारण बीच में कथा नहीं हो पाई। अब फिर 2022 14 दिसंबर से यह कथा का आयोजन है। मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा, भिलाई के समस्त लोगों से, कि कथा में आए और कथा का रसपान करें। जय श्री राम। श्री राम जन्मोत्सव समिति एवं जीवन आनंद फाउंडेशन के तत्वाधान में श्री राम कथा का आयोजन श्री राम चौक कुर्सीपार में किया जा रहा है। आप सभी समस्त छत्तीसगढ़ भिलाई वासियों से निवेदन है, आग्रह है कि आप सब आए। स्वामी राष्ट्रीय संत श्री चिन्मयानंद बापू जी का आगमन यहाँ हो रहा है, जो 2019 में भी इस ग्राउंड में रामकथा के माध्यम से सभी को रसपान कराया था। आप सबसे निवेदन आग्रह कि इस रामकथा में आइए, इस कार्यक्रम को भव्य बनाइए और धार्मिक जो सहिष्णुता पूरे छत्तीसगढ़ और भिलाई के अंदर है, उस संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम इस रामकथा के रसपान के माध्यम से हो रहा है। आप सब आइए, आमंत्रित करते हैं श्री राम जन्मोत्सव समिति एवं जीवन आनंद फाउंडेशन के प्रत्येक कार्यकर्ता आपसे। जय। 2019 में यज्ञ हुआ था, लक्ष्मी नारायण यज्ञ और राम कथा। तो पहले से चौक को अंडा चौक के नाम से जाना जाता था, लेकिन उस यज्ञ के बाद से और राम कथा के बाद से इस चौक का नाम श्री राम चौक बन पड़ गया है। तो जहाँ राम है वही हम है। राम राम अर्थात संस्कार। संस्कार हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे पुत्र, हमारे बच्चे, हमारे परिवार वाले संस्कारवान रहें, और संस्कारवान रहना है तो राम को जीवन में उतारना पड़ेगा और राम को अपनाना पड़ेगा। तो राम को जानने के लिए सबसे बड़ा सुलभ राम कथा और लक्ष्मी नारायण कथा। इसलिए आप लोग 14 दिसंबर से ज़्यादा लोग इस कथा में और इस यज्ञ में सम्मिलित हों और यज्ञ को सफल बने और अपना जीवन कृतार्थ करें। जय सिया राम। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के नेहरू युवा केंद्र दुर्ग से संबद्ध
समीपस्थ ग्राम कातरों के कर्मवीर युवा संगठन के द्वारा साहू भवन में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र संगठन के 50वीं स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्र से संबंधित युवा मंडल व आशीर्वाद ब्लड बैंक भिलाई के सहयोग से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन समीपस्थ ग्राम कातरों में किया गया, जिसके लिए शौर्य संगठन के सदस्य और ग्राम के वरिष्ठ जनों ने विशेष रूप से उपस्थित होकर युवाओं को रक्तदान के लिए प्रेरित किया, जिससे लगभग 40 युवाओं ने रक्तदान किया। सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। आज हमने आदर्श ग्राम कातरों पर रक्तदान शिविर आयोजित किया हुआ था, जिसमें जिस तरीके से हम समाज में देख पा रहे हैं कि रक्त की कमी लगातार बढ़ती चली जा रही है, और इस रक्त की कमी को दूर करना हम सभी समाज के लोगों का ही यह उत्तरदायित्व बनता है। और जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि कितनी भ्रांतियाँ रक्तदान को लेकर के फैली हुई है कि रक्त देने से कमजोरी आ जाती, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि रक्त देने से हमारे शरीर में हमारा जो शरीर है पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है और हमारे रक्त का संचार बहुत बेहतर होते चला जाता है। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि महिलाओं को रक्त नहीं देना चाहिए ऐसा बोला जाता है, लेकिन आज कई एक महिला जो है आज यहाँ पर रक्तदान किए हुए हैं और सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए और इन भ्रांतियों को खत्म करते हुए समाज को ये प्रेरणा दे रहे हैं कि हम सब लोगों को मिलकर सदैव रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे के मदद से ही एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। और रक्त तो एक ऐसी चीज़ है जो मानव शरीर में ही निर्मित होती है और मानव शरीर से एक शरीर से दूसरे शरीर में ये हम स्थानांतरित करते हैं। धन्यवाद। NYK से यादवेंद्र साहू ने बताया कि शौर्य संगठन एवं NYK के दुर्ग नेतृत्व में पूरे छत्तीसगढ़ में औसतन 2 यूनिट रक्त प्रतिदिन प्रदान किया जा रहा है। रक्तदान के फायदे बताते हुए कहा कि नियमित रक्तदान करने से कैंसर सहित अन्य बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। रक्तदान से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारे शरीर का वजन, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन, मलेरिया, HBSG, HIV, VDRL जैसे दर्जन भर जांच निःशुल्क हो जाती है। नेहरू युवा केंद्र दुर्ग के जिला युवा अधिकारी नितिन शर्मा ने शिविर में अपना 36वां रक्तदान करते हुए युवाओं को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया और कहा कि समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करने में युवा वर्ग ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। प्रदेश में ऐसे लाखों जरूरतमंद हैं जिन्हें रक्त की जरूरत है। कातरों में कर्मवीर युवा संगठन के माध्यम से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, NYK के 50वें वर्षगांठ में हमने 50 यूनिट रक्त का लक्ष्य आज रखा हुआ है और युवाओं में इसकी भागीदारी भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं, ताकि रक्त की जो कमी है पूरे प्रदेश में, अभी भी वर्तमान में 2 लाख से ऊपर रक्त की कमी है, इसको भी हम पूरा करने में एक सामाजिक सरोकार के रूप में आज यहाँ वहाँ पे लगभग 50 रक्त दिए गए थे। इतने अच्छे कार्यक्रम से यहाँ पे डोनेशन हुआ है, लगभग 30 के आसपास हो चुके हैं। यहाँ सभी लोग ने अपना ब्लड डोनेट करके एक जरूरतमंद को ब्लड के लिए प्रोवाइड किए हैं, और बहुत धन्यवाद देता हूँ संस्था और गाँव वालों को जिन्होंने अपना ब्लड डोनेट किया है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। प्रतिबंधित नशीली गोलियों और सिरप के खिलाफ दुर्ग पुलिस के द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई। इस मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 3,897 नशीली टैबलेट और 127 सिरप की शीशियां पुलिस ने जब्त की है। दुर्ग पुलिस ने नशे के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए NDPS एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 2 बड़े ड्रग पेडलर को पकड़ा है, जिनके पास से अल्प्राजोलम की 32 पत्ते में 2400 टैबलेट, 34 नाइट्रोबेट पत्ती में करीब 1000 टैबलेट, 17 ड्रामाडोल पत्ती में 480 कैप्सूल और 96 जो है ये कफ सिरप जो अपना कोडीन बेस्ड है वो, और इन सब चीज़ों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। नंबर 7898881599 बार बार मीडिया के थ्रू सर्कुलेट किया है, उस पर व्हाट्सएप चलता है, लोग लोकेशन भेज सकते हैं, फोटोग्राफ भेज सकते हैं, किसी भी एनोमिनस नंबर से व्हाट्सएप कर सकते हैं। सबकी गोपनीयता मेंटेन की जाएगी और ये जितने ड्रग पेडलर्स हैं उन पर पूरी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग पुलिस इन ड्रग पेडलर्स पे जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे कार्य कर रही है और आने वाले समय में ये सारे ड्रग पेडलर्स या तो अंडरग्राउंड हो जाएंगे या फिर गिरफ्तार किए जाएंगे। लव मैरिज से नाराज ससुर ने दामाद पर गोली चला दी। दरअसल 2 साल पहले युवक और युवती ने भागकर शादी कर ली थी। युवती के पिता इस शादी के खिलाफ थे। शादी के 2 साल बाद जब युवती अपने पति के साथ मायके गई तो ससुर ने जैसे ही अपने घर में दामाद को देखा बौखला गए।
और ससुर ने अपने दामाद पर गोली चला दी, लेकिन घर वालों ने बीच बचाव कर लिया जिससे दामाद को गोली नहीं लगी और दामाद की जान बच गई। फिलहाल पुलिस ने ससुर को हिरासत में ले लिया है। प्रार्थी जो है हमारे इस केस के लखविंदर सिंह, उनके ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ है। 2 साल पहले लखविंदर सिंह की शादी राधिका नाम की महिला के साथ हुई थी। महिला के माता पिता के इच्छा के विरुद्ध उन लोगों ने शादी की थी, जिससे परिवार में हमेशा द्वेष रहता था और लड़की के माता पिता और भाई के साथ दामाद की बनती नहीं थी। लखविंदर सिंह जिसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, वो अपने भाई के पास गए थे। भाई का नाम है मंजीत सिंह, जो ससुराल में ही बगल में रहते हैं। जब वो वापस वहाँ से निकल के जा रहे थे तो उनके ससुर जी ने, जिन जो कि आरोपी हैं और जिनका नाम है शरदजीत सिंह, उन्होंने इन पर जानलेवा हमला किया। एक कट्टा से इनके ऊपर हमला करने को इनके सिर पर टिकाया और मारने की कोशिश की। लोगों ने बीच बचाव किया जिससे एक हवाई फायरिंग हुई और लगातार लड़ाई इनके बीच में चलती रही 10-15 मिनट तक। लोग छुड़ाए, वापस वो घर में अंदर गए और 10 मिनट के बाद उन्होंने चाकू से भी हमला करने की कोशिश किया और पुलिस के आने से जस्ट 5 मिनट पहले वो मौके से फरार हो गए। सर, इसमें इंजुरी किसी को हुई है? कोई इंजुरी किसी को नहीं। सर, कट्टा कहाँ से लगा पता चला? तो आरोपी का लास्ट लोकेशन बस स्टैंड था, उसके बाद फोन बंद आ रहा है। हमारी टीम लगी हुई, क्राइम ब्रांच की टीम लगी है, थाने की टीम लगी हुई है, हम उसके पीछे पड़े हुए हैं। और इसमें ये एंगल भी देखा जा रहा है कि परिवार के कुछ लोगों ने और कुछ दोस्तों ने भी आरोपी को शह देने की कोशिश की है, उसे भगाने में मदद करने की कोशिश की है। तो थोड़ी इसके ऊपर प्राथमिक जाँच करने के बाद हम इस पर एफ आई आर करेंगे। 2-3 लोगों पर हमें शक है। दुर्ग पुलिस ने सोने मकानों में चोरी करने से पहले घूम घूम कर रेकी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 7 आरोपी सहित 1 नाबालिग को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इनके पास से सोना, चांदी, सिक्के, इलेक्ट्रॉनिक सामान, हेयर ड्राई, ब्यूटी पार्लर किट, सलवार सूट व अन्य सामान बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। थाना क्षेत्र में पिछले 6 महीने में हुई 5 चोरियों का आज खुलासा किया गया, जिसमें 5 चोर, जिसमें 1 नाबालिग और 3 चोरी का सामान गिराने वाले को पुलिस गिरफ्तार करने में सफल रही है। इनके पास से 8 लाख का चोरी का सामान जो है वो जब्त किया गया है, जिसमें सोने के सामान, सिल्वर के सामान, सिल्वर, गोल्ड, टीवी और कीमती कपड़े जो हैं वो जब्त किए गए। ये 3 ग्रुप में अपने आप को बांटते थे। एक जो है रेकी ग्रुप होता था, एक चोरी करने वाला ग्रुप होता था और एक को गलाने का और बेचने वाला ग्रुप होता था। ये घर का रेकी किया कर 2-3 दिन रेकी करने के बाद, एक घर में पुष्टि होने के बाद कि लंबी छुट्टी पर गए हैं, उसका ताला तोड़ा करते थे, अंदर घुसा करते थे। 12 बजे घुसते थे और 3:30 बजे निकलते थे। इनका फर्स्ट टारगेट जो अलमीरा होता था उसमें वो तिजोरी तोड़ते थे और उससे गोल्ड, सिल्वर, कैश लेने की कोशिश करते थे। वो ना मिलने पर घर में कोई कीमती सामान हो तो उसको ये उठा लिया करते थे। एक घर में कुछ ना मिलने पर दूसरे घर को टारगेट किया करते थे। महीने में 1 चोरी किया करते थे, हर महीने 1-1 चोरी करते थे। चोरी से करीब 2-2.5 लाख का सामान एक बार में चोरी करते थे, जिसको आपस में ये बांट लिया करते थे। एक व्यक्ति को बांटने पर 15-20 हज़ार रुपये मिल जाता था और गिराने वाले को 1-1.5 लाख रुपये मिलता था। ये ज़्यादातर 17 से 25 साल के हैं, नशा करते थे, जुआ खेलते थे। जुए मिले हुए पैसे से या तो वो कीमती चीज़ खरीदते थे या फिर जुआ खेलते थे, नशा करते थे। इन चोरों के पकड़े जाने से सुपेला क्षेत्र में चोरी का नेटवर्क टूटा है और जल्दी ही जो दूसरी चोरियां जिले में हुई थी उस पर पुलिस को काफी क्लूज मिले, जल्दी वहां भी गिरफ्तारियां होंगी। बीएसपी के द्वारा भिलाई के सेक्टर 6 में 7 दिवसीय ITF टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विदेश के कई खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। 7 दिनों तक सेक्टर 6 क्लब में आयोजित होने वाले इस ITF टूर्नामेंट का आयोजन भिलाई स्टील पैंड के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें विदेशों से आए खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। आपको बता दें कि ITF द्वारा आयोजित टूर्नामेंट $15,000 का है, जिसका उद्घाटन MM गडरे द्वारा किया गया। BSP द्वारा आयोजित टूर्नामेंट में आए खिलाड़ियों के लिए BSP के द्वारा रहने, खाने व मनोरंजन की उचित व्यवस्था की गई है, जिसे देखकर खिलाड़ियों में खासा उत्साह है। टूर्नामेंट में विजयी होने वाले खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार व्यवस्था भी की गई है। टूर्नामेंट को लेकर पहुंचे लोगों ने व्यवस्थाओं की खुले दिल से प्रशंसा की। आज से हमारा ये सेकेंड डे है, आज ये हमारा ITF वर्ल्ड टेनिस टूर भिलाई में जो हो रहा है, ये मेंस ITF टूर्नामेंट है $15,000 का और काफ़ी सारे प्लेयर आए हैं, विदेशी से प्लेयर आए हैं, 5-6-7 कंट्री का प्लेयर आए हैं और विनर को 2,000 के ऊपर प्राइज मनी है और ATP रैंकिंग पॉइंट मिलेगा। ATP रैंकिंग पॉइंट मिलने से प्लेयर्स को आगे बढ़ने में सहायता मिलता है, इंडियन प्लेयर्स को काफ़ी हेल्प मिलता है इंडिया में टूर्नामेंट करने के लिए। तो भिलाई ने ये टूर्नामेंट किया है, ये काफ़ी इंडियन प्लेयर्स को सूट करता है और उनको ट्रैवल करना नहीं पड़ता है, तो ये बहुत अच्छा बात है और फैसिलिटी काफ़ी अच्छा है और प्लेयर्स काफ़ी यहाँ पर आराम से खेल रहे हैं
सारा प्रबंध अच्छा से किया गया, काफ़ी मेहनत गया इस टूर्नामेंट के पीछे। तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र को और सारे जो लोग हैं जो एफर्ट डाल रहे हैं इस टूर्नामेंट के लिए। तो आशा करते हैं ये टूर्नामेंट सफल होगा। हमारे यहाँ बहुत गौरव की बात है कि ITF टेनिस टूर्नामेंट हो रहा है सुबह, तो इसके लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे प्लेयर्स आए खेलने के लिए और हमारे भिलाई स्टील प्लांट ने पूरी मदद से पूरा हर चीज़ काम किया है। हमारा स्पोर्ट डिपार्टमेंट में भी बहुत अच्छा काम करके हर कोई चीज़ की फैसिलिटी नहीं छूटना चाहिए करके सारे हमने ऑफिशियल लोग को भी हमने भिलाई निवास में उनको पूरा रहने का बंदोबस्त किया गया है और उनका कोई भी चीज़ कोई कंप्लेंट नहीं आई अभी तक। और हमारे आज टेनिस का उद्घाटन हुआ है जिसमें हमारे यहाँ MM गदरे जी जो है ED पेंडे है, तो इसीलिए हम लोग बहुत अच्छी आशा उन्हें देखे बैठ के भी काफ़ी मैच देख के गए हो उनको बहुत अच्छा लगा है। और ऊपर से यहाँ पे जो भी आए हैं फॉरेनर प्लेयर वो बड़े खुश है कि इतना अच्छा कॉम्प्लेक्स है BSP टेनिस कॉम्प्लेक्स, इसके लिए उन लोगों ने मेरे को भी बधाई दी है कि सर इतना अच्छा मेंटेन करके रखे। और 2016 में इसका शुभारंभ हुआ था जिसमें अभी भी हमारे टेनिस कोर्ट का बहुत अच्छा रेख रखाव है, इसलिए उन लोगों का। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, खबरें और भी है, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमन देव जी को प्रणाम, परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल, नागपुर मानव धर्म का भव्य सेवक सम्मेलन उद्देश्य, मानव जीवन में भगवत कृपा से अंधश्रद्धा दुष्ट बुद्धि बुरे व्यसन सामाजिक बुराइयां एवं कुप्रथाओं से मुक्ति, जाति भेद नष्ट करना, भ्रूण हत्या निर्मूलन, आपसी लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज चोरी करना बंद करना, परिवार में सत्य मर्यादा प्रेम का पालन करना, मानवता पूर्वक आचरण व्यवहार करना। रविवार दिनांक 27 नवंबर 2022 स्थल RK क्रिकेट मैदान सुपेला थाना के पीछे भिलाई, सौजन्य परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल नागपुर अंतर्गत सेवक सेविका ये छत्तीसगढ़ परिक्षेत्र। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish.
This presentation will acquaint you with the different luxury-packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items, Barat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate, and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire, and exclusive DJ beats for extreme fun, and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव रविवार को दुर्ग पहुंचे, जहां उनके समर्थकों ने उनका जोशीला स्वागत किया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ अपराध और भ्रष्टाचार गढ़ बन गया है। राज्य में अवैध शराब और खनन का बोलबाला है, जिससे अब छत्तीसगढ़ की जनता छुटकारा पाना चाहती है और आगामी दिनों में भाजपा छत्तीसगढ़ की जनता के लिए आवाज बनेगी। कांग्रेस का जो कार्यकाल है, हर मोर्चे पर ये सरकार फेल रही है। ये छत्तीसगढ़ शांति और सद्भावना का टापू रहा है, आज अपराध का गढ़, भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है। माफियाओं का राज है, कोल माफिया, रेत माफिया, शराब माफिया, खनन माफिया, माफियाओं का राज हो गया है। आज छत्तीसगढ़ में विकास के सारे काम ठप हैं और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता आज पछता रही है और इसलिए इस राज्य की कांग्रेस सरकार से छुटकारा न पाना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज़ बनेगी और छत्तीसगढ़ को एक बार फिर शांति और सद्भावना का टापू बनाने के लिए, छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में फिर आगे ले जाने के लिए हम छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे जनता के आशीर्वाद से। देखिए, लगातार हम अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में रहे हैं। कोरोना के समय में जब सारे राजनीतिक दल लॉकडाउन की अवस्था में थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी जान जोखिम में डालकर जनता की सेवा में लगे थे, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती रही है जनता के बीच। अब बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, बड़े बड़े विषय जनता के मुद्दों को लेकर हम सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। भारत विकास परिषद दुर्ग शाखा के तत्वाधान में एवं शौर्य युवा संगठन के सहयोग से जिला मुख्यालय समीपस्थ आदर्श ग्राम कोटिया में रविवार को एक दिवसीय निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में आयुर्वेद चिकित्सा सहित विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम मौजूद रही एवं ग्रामीणों को निशुल्क परामर्श, दवाई व एक्सरे की सुविधा प्रदान की गई। शिविर के माध्यम से ग्राम व आसपास के 250 से ज्यादा मरीजों ने एक छत के नीचे विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टरों की निशुल्क सेवा का लाभ उठाया। शिविर की शुरुआत ग्राम सरपंच चंद्रभान सारथी, शौर्य संगठन के सदस्य, कार्यक्रम समन्वयक व NYK यादवेंद्र साहू, भारत विकास परिषद दुर्ग के अध्यक्ष सहित विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने दीप प्रज्वलन, गायत्री मंत्र व धन्वंतरी वंदना के साथ की। फिजिशियन डॉक्टर शरद पाटनकर, डॉक्टर सुधीर हिशिकर, मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज दानी, अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अखिलेश यादव, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मानसी गुलाटी, शिशु रोग विशेषज्ञ रितेश वाल्किंग, डॉक्टर बिसेन, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमित रुंगटा, डॉक्टर अंशुल रुंगटा, आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर सोनिया हिशिकर, डॉक्टर सुरेश शर्मा, डॉक्टर विक्रम, प्रोजेक्ट आदित्य से बलराम व देवराज देवांगन, वॉल्किंग डायग्नोस्टिक सेंटर दुर्ग ने निशुल्क सेवा प्रदान की। शौर्य संगठन अध्यक्ष फलेन्द्र पटेल ने सभी विशेषज्ञ डॉक्टरों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत विकास परिषद के नेतृत्व में आयोजित स्वास्थ्य शिविर से ग्रामीणों के लिए लाभदायक रहा। उन्हें एक ही जगह सभी परेशानियों का बेहतर परामर्श मिल गया। उन्होंने इस तरह के दोबारा आयोजन हेतु निवेदन भी किया है। कार्यक्रम के आयोजन में भारत विकास परिषद के राहुल, शौर्य संगठन के आदित्य भारद्वाज एवं भारतीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय के छात्रों का सराहनीय योगदान रहा। भारत विकास परिषद दुर्ग अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर हिशिकर ने कार्यक्रम का उद्देश्य बताते हुए कहा कि निःशुल्क चिकित्सा शिविर के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने के साथ एक छत के नीचे विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम के माध्यम से ज्यादा सुविधा प्रदान करना है। भारत विकास परिषद द्वारा आज ग्राम कोडिया हनोदा के पास एक विशाल निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें अस्थि रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ, मेडिसिन और शिशु रोग विशेषज्ञ सहित सभी पैथी के चिकित्सक, आयुर्वेद विशेषज्ञ भी आए हुए हैं और उनका निःशुल्क
मेडिसिन के साथ निःशुल्क एक्सरे भी करने का आज कार्यक्रम है। वालकिंस की तरफ से निःशुल्क एक्सरे पेशेंट का किया जा रहा है, सभी दवाइयाँ मुफ्त में दी जा रही है। अब तक कम से कम 250 से 300 मरीज यहाँ देखे जा चुके हैं। भारत विकास परिषद एक सामाजिक संस्था है जो निरंतर समाज के उत्थान के लिए एवं गरीब क्षेत्र में ऐसे कार्य करती रहती है। धन्यवाद। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। दुर्ग शहर के हृदय स्थल पर स्थित महाराजा चौक में इन दिनों अव्यवस्थाओं का आलम है और इन्हीं अव्यवस्थाओं के बीच लोग आने जाने को मजबूर है। इसके साथ ही यह क्षेत्र दुर्घटना जन्य क्षेत्र बना हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई जयंती के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई बेरला के द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जहां काफी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। बेमेतरा जिले के नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में सेवा सहकारी समिति के द्वारा किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक व राज्य शासन में सांसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे और किसानों का सम्मान किया। सभा में प्रत्येक सोसाइटी में जाकर एक भारी जन समूह जो किसान का जन समूह है, उन्हें सम्मान देने का काम किया जा रहा है और हर मंच से किसान लोगों का सम्मान किया जा रहा है। और सभा का भी आयोजन है जिसमें किसान से जुड़े मुद्दे को लेकर चर्चा और जो कांग्रेस की जनहित योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार किया जा रहा है और अच्छा खासा किसान का जन समर्थन कांग्रेस सरकार को मिल रहा है। बेमेतरा के नवयुक्त पुलिस अधीक्षक ने जिले के राजपात्रित अधिकारी सहित थाना व चौकी के प्रभारियों की आवश्यक बैठक ली, जिसमें जिले के क्राइम रिपोर्ट सहित अन्य विषयों को लेकर चर्चाएं की गई। अभी ये रूटीन क्राइम मीटिंग है जिसमें हम उनका प्रोग्रेस, सभी थानों का प्रोग्रेस देखेंगे और परफॉर्मेंस के हिसाब से कुछ ट्रांसफर्स भी करेंगे और सभी को दिशा निर्देश देंगे कि आगे आगामी महीनों में और साल में कैसे काम करना है, विशेष करके साल के अंत में कुछ पेंडेंसी जो है उसको कैसे क्लियर करना है, क्या रुकावटें आ रही है, इसके संबंध में चर्चा। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।